हेलो एवरीवन, स्वागत है कुछ वीडियो में। मेरा नाम आकाश और आप देख रहे हैं बेस्ट वे टू ट्रेड। और आज हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में, देखेंगे चार्ट में कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो रहे थे। बने रहे हैं वीडियो में अंत तक। उससे पहले चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और समझते हैं टाटा मोटर्स के बारे में। तो आइए चार्ट में जाने से पहले टाटा मोटर्स के बारे में कुछ की पॉइंट को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग चार्ट में देखेंगे कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। बात करें टाटा मोटर्स के फंडामेंटल के बारे में तो टाटा मोटर्स एक लार्ज कैप कंपनी है। मार्केट कैपिटल का बात करें तो 170,170 करोड़ इसका मार्केट कैपिटल है। वन ईयर का रिटर्न देखेंगे तो 57.06% इसका वन ईयर का रिटर्न है। वन मंथ का रिटर्न का बात करें तो -4.70% इसका वन मंथ का रिटर्न है। बात करें प्राइस अर्निंग रेशियो का तो प्राइस अर्निंग रेशियो है -12.65। 52 का हाई का बात करें तो 52 का हाई है 536.70 रुपीज़ इसका 52 का हाई है। लो का बात करें 52 का तो 268.45 रुपीज़ इसका 52 का लो है। तो ये है कुछ पॉइंट टाटा मोटर्स के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे चार्ट में इन डिटेल्स। तो लीजिए हम लोग आ गए हैं टाटा मोटर्स के चार्ट पे। चार्ट पे कुछ लेवल को हम लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले चार्ट में अगर देखेंगे तो कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट हो रहे हैं, जैसे कि 16 जनवरी 2017 को देखेंगे तो स्टॉक 552 का हाई लगाता है। वहां से डिक्रीज होते होते स्टॉक देखेंगे तो 23 मार्च 2020 को लो लगा देता है 63 रुपीज़ के आसपास। 63 रुपीज़ में स्टॉक रुक के हॉल्ट करके सुलिसिटेड मोमेंटम करते करते आज स्टॉक रन कर रही है 477 रुपीज़ के आसपास। यहाँ पे कुछ पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो रहे हैं जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए कुछ पॉइंट को इंसर्ट करते हैं और फिर बात करते हैं हम लोग आगे। तो लीजिए मैंने आपके लिए कुछ पॉइंट को इंसर्ट किया है। आप देखेंगे स्टॉक जब एक रेंज में काम करती है, कोई बेटर एंट्री पॉइंट नहीं मिल पाती है, स्टॉप लॉस भी बार बार हिट होता है। लेकिन अगर आप पेशेंस रख के फॉलो करते हैं चार्ट को तो पता चलता है कि स्टॉक जब एक रेंज को ब्रेकआउट करती है तो एक बड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिलता है, एक बड़ा प्रॉफिट आप अर्न कर पाते हैं। उसी तरह से अभी अगर आप देखेंगे तो चार्ट एक रेंज में काम कर रही है। रेंज सपोर्ट देखेंगे तो 440 और रेंज रेजिस्टेंस देखेंगे तो 550। इस रेंज में स्टॉक काफ़ी टाइम से काम कर रही है। अगर इस रेंज को ब्रेकआउट करती है तो एक बड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, एजुकेशन पर्पस से स्टॉक का फंडामेंटल और स्टॉक का टेक्निकल चार्ट में आपको दिखा रहा था कि सब पॉइंट इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही। धन्यवाद, मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी।